हमारा पति, हमारा पुत्र, हमारा पिता हमारे साथ मेंटली और फिजिकली क्रुएल्टी का व्यवहार करता है। जो एनसीआरबी का डाटा है वो स्पष्ट कहता है कि रोड एक्सीडेंट के जो मामले शराब के नशे में या नशे के हालत में जो सड़कों पे दुर्घटनाएं होती थी उसकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो गई। लोगों के स्वास्थ्य पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, कहीं भी रोडों पे उस तरह के मामले नहीं है। आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कर्पूरी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे मीडिया के तमाम छायाकार बंधुगण, तमाम हमारे पत्रकार बंधुगण और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता सह माननीय विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी, प्रवक्ता डॉक्टर श्रीमती भारती मेहता जी, प्रवक्ता सुश्री अनुप्रिया जी, आप सभी का मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय है वो शराबबंदी को लेकर के है, मद्य निषेध को लेकर के है। हम लोग देख रहे हैं कि विगत कुछ महीनों से या हमेशा विपक्ष शराबबंदी जो हुई है हमारे बिहार में उसको लेकर के किस तरह के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शराबबंदी कानून जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2016 में लाया वो हम महिलाओं के आग्रह पे, हम महिलाओं के कहने पर वो कानून आया था और शराबबंदी का इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में पड़ा, सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा कि उसकी तारीफ देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, अप्रिशिएट किया था और कहा था कि बाकी राज्यों में भी बिहार की शराबबंदी नीति से लेसन लेनी चाहिए। दूसरी बात कि महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटीज होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस के जो मामले होते थे, जब मैं स्वयं बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो मेरा खुद का अनुभव है कि अगर एक दिन में 20 मामले आते थे शराबबंदी कानून के पहले, तो मैंने देखा इस चीज़ को कि 20 मामले में 16-17 मामलों में इस बात की शिकायत पिटीशन में होती ही होती थी कि हमारा पति, हमारा पुत्र, हमारा पिता या भाई शराब के नशे में आकर के या नशे के आलम में आकर के हमारे साथ मेंटली और फिजिकली क्रुएल्टी का व्यवहार करता है। लेकिन जब शराबबंदी कानून लागू हुआ बिहार में तो हम लोगों ने देखा और हमने देखा कि ये शिकायतें दूर हो गई। दूसरी चीज, जो एनसीआरबी का डाटा है वो स्पष्ट कहता है कि रोड एक्सीडेंट के जो मामले शराब के नशे में या नशे के हालत में जो सड़कों पर दुर्घटनाएं होती थी उसकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो गई। लोगों के स्वास्थ्य पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, खुशहाली आई, एक बहुत ही मैं कहूँ एक सिविलाइज्ड सोसाइटी हम लोग को देखने की मिलती है, कहीं भी रोडों पे उस तरह के मामले नहीं है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखने के मिला कि अक्सर हम लोग देखते थे कि ईव टीजिंग के मामले होते थे सड़कों पे, गलियों में, वो संख्या बिल्कुल कम हो गई। तो इतने सकारात्मक प्रभाव है शराबबंदी के बावजूद इससे इतर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता एक निगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाए। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट मानना है कि शराबबंदी से समाज में खुशहाली आई है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।